सभा तो ऐसी होना चाहिए, अन्य यदि दूसरी सभाएं हो तो हमें कहना पड़ता है आप बैठे रहें, उठे नहीं, जाओ मत, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ऐसा हमें कहना पड़ता है, मज़ा आएगा, आपको बहुत खुशी होगी। लेकिन ये सभा आज की ऐसी सभा है कि हमें एक बार भी नहीं बोलना पड़ेगा कि आप बैठिए, सुनिए, बहुत अच्छा है। अरे आपको खुद ही अच्छा लगेगा, आप ऐसे भाव से स्वयं ही बैठे रहेंगे, क्योंकि अब हमें जो मिलने वाला है, जो जानने मिलने वाला है, बहुत ही सुंदर विषय हमारे अपने इस ढाई दीप शिक्षण संस्थान के ही छात्रों के द्वारा और आपके प्यारे नन्हे मुन्ने लाल पीले है ना, उनके द्वारा ही हम सबको यहाँ बहुत सुंदर प्रस्तुति मिलने वाली है। इसलिए आप निश्चित रूप से इस अवसर को नहीं चूकेंगे और बहुत ही आनंदपूर्वक, उत्साहपूर्वक इसमें ध्यान से इनका लाभ लेंगे, ऐसी भावना है। और अब आगे के क्रम में सभी को सादर जय जिनेंद्र, रक्षाबंधन पर्व की सबको बहुत बहुत बधाई। यहाँ पर हमारी एक गोष्ठी कह ले या रक्षाबंधन परिचर्चा, ये बच्चों ही द्वारा आयोजित है। इससे हम जानेंगे कि वात्सल्य पर्व, रक्षाबंधन पर्व कैसे मनाया चाहिए, सही उसके मायने क्या है। हमारे बच्चों ने बहुत मेहनत करके ये तैयारी करी है, आप ध्यान से सुनिए। मैं तो बढ़िया हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या आपको पता है आज क्या है? आज तो वो वाला त्योहार है जब भाई बहन को राखी बांधता है। अरे भाई तुम भी। अरे नहीं नहीं, बहन भाई को राखी बांधती है। हाँ, उस त्योहार को अपन क्या कहते हैं? रक्षाबंधन का त्योहार। ये वही वाला त्योहार है ना जिसमें बहना अपनी कलाई पर राखी बांधती है, मिठाई खिलाती है और फिर क्या कराती है? अपनी जेब खाली कराती है। फिर ये, लेकिन मुझे इसमें एक शंका है कि ये रक्षाबंधन का त्यौहार मात्र भाई और बहन का ही है? हाँ हाँ, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। चलो इसका उत्तर अपन अपने ही गांव में जाके ढूंढते हैं। हाँ हाँ चलो। अरे अरम रुको। क्या हुआ? मैं क्या कहता हूँ, अपन अपने प्रश्न का उत्तर ढूंढने जा रहे हैं। हाँ। एक शुभ कार्य करने जा रहे हैं, तो क्यों ना हम अपने भगवान को याद कर लें? हाँ, भगवान को याद करने में बहुत आनंद आएगा, चलो। हाँ हाँ चलो। भाई हम भगवान को याद कर रहे हैं, क्या तुम भी हमारे साथ भगवान को याद करोगे? हाँ हाँ क्यों नहीं। सावधान रमो अरिहंताडं रमो शेदाडं रमो आयरियाडं रमो अजयाडं रमो लोए सायसाडं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमोगणी मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं सर्व मंगल मंगल्यं सर्व कल्याणकारिकं प्रधानं सर्व धर्माणां जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं मुनियकंपन स्वामी आदि सात शतक आए मुनिराज उपसर्ग किया बलि राजा ने तब रक्षा की विष्णु मुनिराज भाई बहन का पर्व नहीं यह नहीं रागियों का त्योहार नहीं राग से दूषित करना पर्व धर्म रक्षा का आज
यह वात्सल्य पर्व कहलाता, मुनिराजों का यह त्योहार। जिन शासन की रक्षा करने भवि जन रहे सदा तैयार। रक्षा करे यह कौन किसकी, स्वतः रक्षित भाव है। भक्षक बने यह कौन जब उस भाव का ना अभाव है। मैं बचा अथवा मार सकता, आग का ये विभाव है। इस सत्य का स्वीकार ही बस यही रक्षा भाव है। बस यही रक्षा भाव है। धन्यवाद। भगवान को याद करने में तो बहुत मजा आया। चलो अब गांव आने ही वाला है, उत्तर ढूंढने चलते हैं। चलो। हाँ हाँ चलो। इनसे पूछ लेते हैं, क्या पता इन्हें पता हो। भाई क्या तुम्हें पता है कि ये रक्षाबंधन का त्योहार मात्र भाई बहन का ही है क्या? नहीं नहीं मुझे नहीं पता। आ जाते हैं सुबह सुबह से मूड खराब करने। जाओ जाओ। मुझे लगता है और किसी से पूछना पड़ेगा। हाँ चलो, ये तो थोड़े पढ़ाकू इंसान लग रहे हैं, एक बार इनसे पूछ के देखते हैं। हाँ हाँ पूछो इनसे। क्या आपको पता है कि ये रक्षाबंधन का त्योहार मात्र भाई बहन का ही है या नहीं? हाँ भाई, मुझे इसके बारे में थोड़ी जानकारी है। रक्षाबंधन शब्द सुनते ही बहनों को भाई की तथा भाइयों को बहनों की याद आना स्वाभाविक है। भारत के अलावा भी अन्य नेपाल तथा मॉरिशस जैसे देश की समाज ने, संस्कृति ने एवं वहाँ के इतिहास के पन्नों ने भी बहन भाई को करीब लाने का प्रयास किया है। यह त्यौहार अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण होने के बाद भी इसे मात्र भाई बहन के सीमित दायरे में कर इसे संकीर्ण अर्थात संकुचित बना दिया है। कोई कहता है यह हिंदुओं का त्यौहार है, तो कोई कहता है यह मात्र भाई बहन का त्यौहार है, अतः उन्हें इस त्यौहार को मनाने का अवसर मिलना चाहिए। भाई मेरा तुमसे और आप सभी से ये प्रश्न है कि क्या रक्षा और प्रेम की आवश्यकता सिर्फ एक धर्म के अनुयायी को हो सकती है? क्या एक बहन को ही हो सकती है? क्या वह भाई अपने माँ बाप की रक्षा नहीं कर सकता? पत्नी पुत्र पुत्री की रक्षा नहीं कर सकता? अपने देश वतन की रक्षा नहीं कर सकता? पर्यावरण की रक्षा नहीं कर सकता? पशु पक्षियों की रक्षा नहीं कर सकता? बताओ भाई बताओ। या जिन भाइयों की बहन नहीं है या जिन बहनों की भाई नहीं है वह इस त्यौहार को नहीं मना सकते, क्या यह त्यौहार उनके लिए कोई मायने नहीं रखता? बताओ भाई बताओ। भविष्य पुराण आदि हिंदू धर्म ग्रंथों में भी दानवों पर विजय प्राप्त हेतु इंद्राणी द्वारा इंद्र को राखी बांधना तथा महाभारत में श्री कृष्ण की सलाह पर सैनिकों व पांडवों को राखी बांधना, ये सब कथाएं प्रसिद्ध हैं। और अधिक क्या भारत के प्राचीन काल में भी राजपूतों को विजय हेतु उनकी स्त्रियों द्वारा राखी बांधना तथा गुरुकुल में प्राप्त ज्ञान के सही प्रयोग हेतु आशीर्वचन स्वरूप गुरुओं द्वारा शिष्यों को राखी बांधना तथा विदाई के समय शिष्यों द्वारा गुरुओं को राखी बांधना, और अधिक कहीं तो राजस्थान के प्रांत में भी ननद द्वारा भाभी को राखी बांधना। भाई मेरा आप सभी से प्रश्न है, क्या ये रक्षा के सही व उचित मायने को कायम नहीं रखते हैं? बताओ भाई बताओ। मुगल काल में भी राणा सांगा की विधवा पत्नी कर्णवती द्वारा मुस्लिम राजा हुमायूं को राखी बांधना, भाई इनमें तो कहीं भाई बहन का उल्लेख ही नहीं आता है, तो हम क्यों इस पर्व को मात्र भाई बहन का ही पर्व मानते हैं? इस त्यौहार को वो भी मना सकते हैं जिनके भाई नहीं है, और इस त्यौहार को वो भी मना सकते हैं जिनकी बहन नहीं है। शताधिक वर्ष पूर्व जन्मे प्रसिद्ध लेखक रविंद्रनाथ टैगोर ने तिलांजलि देते हुए कहा इस त्यौहार को कहा कि यह त्यौहार इंसानियत का, देशवासियों की रक्षा का, देश की रक्षा का, लोगों के हित का, इंसानियत का त्यौहार कहा उन्होंने ऐसा घोषित किया। भाई और उपर्युक्त सभी तथ्यों से यह सिद्ध होता है कि यह त्यौहार
मात्र भाई बहन का त्यौहार नहीं, अर्थात ये तो जन जन का त्यौहार है, ये तो जन जन की रक्षा का त्यौहार है। ऐसे सही मना सकते हैं, ऐसे वो भी मना सकते हैं जिसकी भाई नहीं है, और ऐसे वो भी मना सकते हैं जिनकी बहन नहीं है। और भाई वास्तव में तो इस दिन 700 मुनि राजों की रक्षा हुई थी, इसलिए यह कोई त्यौहार नहीं, यह तो पर्व है पर्व। हाँ, प्राशु भाई ने क्या अपन को समझाया, मुझे तो मजा ही आ गया। हाँ, उन्होंने कैसे अपन को बताया कि ये रक्षाबंधन का त्यौहार मात्र भाई बहन का नहीं है, इसे प्रत्येक जन मना सकता है, इसे सब लोग मना सकते हैं। हम क्या कह रहे हैं यार, हमारी जिज्ञासा का समाधान होगा, हम जा रहे हैं। चलो बाद में मिलेंगे। बाद में मिले। अरे रुको रुको रुको, अरे हाँ हाँ बोलो बोलो। ये प्राशु भाई ने अपन को बताया था कि इस दिन 700 मुनिराजों की रक्षा हुई थी, तो फिर इन्हें ये भी कहा था कि ये रक्षाबंधन त्योहार नहीं, ये तो पर्व है पर्व। तो ये पर्व का मतलब क्या होता है? पर्व? पर्व तो मैंने पहले कभी सुना ही नहीं है। मैंने सुना तो है एक बार, लेकिन मुझे इसका अर्थ नहीं पता। चलो और किसी से पूछते हैं, शायद किसी और को पता हो। हाँ हाँ पूछते हैं और किसी से। संवेक भाई, क्या तुम्हें पता है कि ये पर्व क्या होता है? हाँ हाँ, पर्व के बारे में तो मुझे सब कुछ पता है। पर्व का मतलब है जोड़ना, अर्थात जो हमें हमारे ज्ञान स्वभाव से जोड़े उसे हम पर्व कहते हैं। इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। जो गन्ना होता है उसमें गांठ होती है, वह पूरे गन्ने को जोड़कर रखती है। उसी प्रकार जो गांठ है वह हमें हमारे ज्ञान स्वभाव से जोड़कर रखती है, इसे हम पर्व कहते हैं। अर्थात जो हमारी आत्मा का उपयोग बाह्य सामग्रियों में भटक रहा है, सांसारिक विषयों में भटक रहा है, उसे वहाँ से खींचकर अपनी आत्मा में जोड़ लेना ही पर्व है। ये तो हमने निश्चय से जाना, पर व्यवहार से जो हमें हमारे कर्तव्यों से जोड़े, हमें सदाचार में जीवन से जोड़े, जो हमें हमारे संस्कारों से जोड़े, उसे हम पर्व कहते हैं। अब जैन पर्व के बारे में जितना कहा जाए उतने कम हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि जैन पर्व कितने प्रकार के होते हैं? हाँ हाँ जरूर। तो आप जानना चाहें और मैं बताने से पीछे हटूँ, ऐसा हो सकता है क्या? तो चलिए जानते हैं। पर्व मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, त्रैकालिक पर्व एवं तात्कालिक पर्व। त्रैकालिक पर्व को हम शाश्वत पर्व भी कहते हैं, जो हम अनादि से मनाते आ रहे हैं और अनंत काल तक मनाएंगे, उसे हम त्रैकालिक पर्व कहते हैं। जैसे दशलक्षण पर्व, अष्टमी, चतुर्दशी, षोडशकरण पर्व आदि। अब तात्कालिक पर्व। तात्कालिक पर्व वह होते हैं जो किसी काल विशेष में मनाए जाते हैं या क्षेत्र विशेष में, उसे हम तात्कालिक पर्व कहते हैं। अब तात्कालिक पर्व भी दो प्रकार के होते हैं, पहला घटनात्मक पर्व, दूसरा वैयक्तिक पर्व, जिसे हम व्यक्ति विशेष पर्व भी कह सकते हैं। अब घटनात्मक पर्व जो किसी घटना पर आधारित हो उसे हम घटनात्मक पर्व कहते हैं। जैसे महावीर जयंती, शुद्ध पंचमी, अक्षय तृतीया, और आज कौन सा पर्व है? रक्षाबंधन पर्व। हाँ, रक्षाबंधन पर्व भी घटनात्मक पर्व ही है। अब चलिए जानते हैं कि वैयक्तिक पर्व किसे कहते हैं। जो किसी व्यक्ति विशेष की उन्नति हो, किसी की इंडिविजुअली उन्नति होना, उसे हम वैयक्तिक पर्व कहते हैं। जैसे महावीर जयंती, वीर निर्वाणोत्सव, मोक्ष सप्तमी आदि। अब जैन पर्व के बारे में जितना कहा जाए उतना कम ही है, लेकिन भाई एक बात ध्यान रखना, जैन पर्व भक्त बनाने के लिए नहीं, भगवान बनाने के लिए है। हम पढ़ते भी है ना, भक्त नहीं भगवान बनेंगे। आहा परियोल भाई, मजा आ गया। संवेक भाई ने जो अपन को समझाया कि पर्व क्या होता है, ये पर्व अपनी आत्मा को जोड़ने के लिए होते हैं, और ये जो पर्व है ये हमारे जैन धर्म का है। जैसे इसमें इन्होंने बताया कि रक्षाबंधन भी घटनात्मक पर्व है, लेकिन इनने ये तो बताया कि ये घटनात्मक पर्व है, पर ये घटनात्मक रक्षाबंधन पर्व है तो इसकी कोई ना कोई कथा तो होगी। हाँ हाँ, अगर रक्षाबंधन एक घटनात्मक पर्व है
तो इस रक्षाबंधन के पीछे कोई कथा भी होगी। हाँ तो चलो किसी से पूछते हैं कि उसे घटनात्मक पर्व क्या है, इसकी घटना क्या है, चलो पूछते हैं। हाँ हाँ चलो इनसे पूछना है क्या? रेन तो दू इनसे नहीं पूछो। अरे और पूछ के तो देख लो। पूछो। नव भाई क्या तुम्हें पता है कि ये रक्षाबंधन पर्व की कथा क्या है, कब से प्रारंभ हुआ है? इजी है, सिंपल है, मैं बताता हूँ ना। आज से लाखों वर्ष पूर्व 19वें तीर्थंकर और 20वें तीर्थंकर के काल के मध्य में एक उज्जैन नामक नगरी थी। कौन सी नगरी? उज्जैन। उज्जैन नामक नगरी थी, उसमें एक राजा राज्य करता था श्री वर्मा नाम का। उसे श्री धर्मा भी कहा जाता था क्योंकि वह धर्म का बड़ा ही अनुयायी था। लेकिन उसके जो चार मंत्री हैं ना, बलि, नमुचि, बृहस्पति और प्रहलाद, वे धर्म के अनुयायी नहीं थे, वे धर्म के विरोधी थे। एक बार अकंपनाचार्य अपने मुनि शिष्यों के साथ उज्जैनी नगरी में पधारते हैं और तभी शुद्ध सागर महाराज जी आहारचर्या के लिए भी चले जाते हैं। और जो अकंपनाचार्य मुनिराज हैं ना, उनने अपने शिष्यों को कहा कि आप मौन आत्म साधना के लिए बैठे। तभी महाराज को बात पता चलती है और वे दौड़े दौड़े मुनिराज के पास चले जाते हैं उपदेश सुनने के लिए। तभी वे मौन तो थे तो उपदेश ना मिलन, एक मंत्री उठकर बोलता इनको कुछ नहीं आता, ये मौना मूर्ख से भूषणम, यह बोल के सब हंसने लगते हैं। ये और बोलते हैं ये मूर्ख जीव को कुछ नहीं आता, ये बस मौन बैठे हैं और मौन बैठने में अपनी बुद्धिमता दिखा रहे हैं। तभी सब महल जाते हैं, बीच रास्ते में श्रुत सागर महाराज जी आते हैं। बीच में विवाद होता है और विवाद में हार जाने पर उन्हें बहुत क्रोध आता है। श्रुत सागर महाराज जी है ना, वे अकंपना आचार्य को पूरी बात बताते हैं। तभी प्रश्न स्वरूप अकंपना आचार्य बोलते हैं कि आपने जहाँ पे वाद विवाद किया था ना, वहीं पर ध्यानस्थ हो जाइए। रात्रि में वे आते हैं और तलवार से प्रहार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहीं व्यंतर देव ने उन्हें कीलित कर दिया। और प्रातःकाल सभी नगरवासी आते हैं और महाराज आते हैं और उन्हें देश से निकाल देते हैं। तभी वे हस्तिनापुर नामक नगरी में राजा पद्मराय की शरण में जाते और उधर उनको प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे उनकी सेवा करते। और एक बार राजा पद्मराय ने उनसे वरदान मांगने को कहा, तभी उन्होंने कहा कि जब उचित समय आएगा हम तभी वरदान मांगेंगे। और तभी अकंपनाचार्य सात सौ मुनिराज उज्जैनी नगरी से हस्तिनापुर नगरी में पहुंचते हैं और तभी उनने अपना वरदान का प्रयोग करके 8 दिन तक राज्य मांगा। उनने घोर उपसर्ग किया उनके ऊपर। तभी जो पुष्पदंत नामक छुल्लक है ना, उनसे बात पता चली, राजा पद्मराय के जो भाई है ना, राजा पद्मराय के जो भाई जो विक्रिय रिद्धिधारी मुनिराज श्री विष्णु कुमार मुनिराज, उनके पास बात पहुँचती है कि उनके ऊपर बहुत घोर उपसर्ग हो रहा है उनके ही। तो वे आकाश मार्ग से जाते हैं और तभी वे वटुक मतलब अपनी दीक्षा छेक के वो छोटे ब्राह्मण का रूप धारण करके राजा जो बलि है ना उनसे उनसे कहते हैं कि मुझे 3 कदम की भूमि चाहिए। कितने कदम की? 3 कदम की। पहले कदम में उन्हें सुमेरु पर्वत पार किया, दूसरे पर्वत में मानुषोत्तर पर्वत, तीसरे पग के लिए उनको जगह ही नहीं मिली क्योंकि मानुषोत्तर पर्वत के बाद मनुष्य नहीं जा सकते ना, इसलिए। उसके बाद राजा ने बोला क्षमा महाराज क्षमा, और सभी जन ने मुनिराज का उपसर्ग दूर किया। इसी कारण ये घटनात्मक पर्व है। बोलिए घटनात्मक पर्व, वात्सल्य पर्व, रक्षाबंधन पर्व की जय हो। अरे वाह, नब भाई ने तो रक्षाबंधन की कथा बहुत अच्छे से समझाई। मुझे तो रक्षाबंधन की कथा बहुत रुचिकर लगी। मुझे भी आजकल इन प्रतिमानियों की कथाओं में बहुत आनंद आता है। हाँ हाँ, अभी नव भाई ने अपन को बताया कि कैसे विष्णु कुमार मुनिराज ने अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों का उपसर्ग दूर करवाया, परंतु उस कथा में
कई सारे मुनियों का वर्णन आया, जैसे अकंपनाचार्य, शुद्ध सागर मुनिराज और विष्णु कुमार मुनिराज। तो मुझे इन तीनों में से विष्णु कुमार मुनिराज ज़्यादा महान लगते हैं, क्योंकि उन्होंने तो अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों का उपसर्ग दूर किया था। मुझे लगता है तुम्हें जो विकल्प आ रहा है उसके पीछे तुम्हें तर्क भी चाहिए होगा, बिना तर्क के तुम कोई बात नहीं कह सकते हो। तो चलो किसी और ज्ञानी जीव से पूछते हैं, हो सकता है उसे पता हो तो अपनी ये शंका भी मिट जाएगी। हाँ हाँ चलो। अनमोल भाई, क्या तुम्हें पता है कि जो अकंपनाचार्य हैं, शुद्ध सागर मुनिराज हैं और विष्णु कुमार मुनिराज हैं, इन तीनों में से अनुकरणीय कौन है? हाँ भाई, मुझे इसके बारे में थोड़ी जानकारी है, मैं उसमें बताने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो चलो अब हम बताते हैं कि अनुकरणीय मुनि कौन है। वैसे तो सभी मुनि अनुकरणीय एवं वंदनीय होते हैं, परंतु फिर भी हमें अगर एक तुलनात्मक रूप से देखना हो तो हमें एक छंद आता है रत्नकरण श्राव का चार्ज ग्रंथ में, उसमें गुरु का स्वरूप बताया है। तो चलो उसे साथ में मिलकर पढ़ते हैं और समझते हैं कि कौन से मुनि इस बात पर 100% खरे उतरते हैं। विषयाशावशाति तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपोरत तपस्वी सप्रशस्यते। अर्थात जो गुरु का स्वभाव होता है, जो उनका स्वरूप होता है, वह तो सिर्फ आत्मज्ञान में लीन देना होता है, ना कि किसी बाह्य प्रपंचों में पढ़ना या किसी के प्रति मोह राग या द्वेष उत्पन्न करना। तो जो मुनि इस स्वभाव में लीन रहते हैं, आत्म मौन साधना में लीन रहते हैं, तत्व ज्ञान में लीन रहते हैं, वही सच्चे गुरु होते हैं, वही तो सच्चे मुनि होते हैं। तो चलो अब हम यह जानते हैं कि इन तीनों में से कौन से मुनि इस बात पर खरे उतरते हैं। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं अकंपनाचार्य आदि 700 मुनि राजों की। अब देखो मेरी दृष्टि में तो वो सबसे अनुकरणीय मुनि हैं, क्योंकि उन पर राजाओं के मंत्रियों ने घोर उपसर्ग किए, उन्हें कितना भी बोला परंतु फिर भी वो अपनी आत्मसाधना में ही लीन रहे, उन्हें समता भाव रखा, किसी के प्रति मोह राग या द्वेष कभी उत्पन्न नहीं किया। तो यही तो सच्चे गुरु का स्वरूप होता है ना भाई? हाँ, तो इसलिए मेरी दृष्टि से सबसे अच्छे अनुकरणीय है वो, सबसे वंदनीय और पूजनीय। तो चलो अब हमने अकंपनाचार्य मुनि के बारे में तो जान ही लिया, अब अपन जानते हैं शुद्ध सागर मुनि के बारे में। देखो वंदनीय तो वो भी थे, पूजनीय भी थे, परंतु पता है उनने क्या करा था? उनने राजाओं के मंत्रियों के साथ वाद विवाद किया था। अब वाद विवाद करना कोई अच्छी बात होती है क्या? नहीं, परंतु फिर भी वो मुनि तो थे, अनुकरणीय तो थे, इसलिए वो मेरी दृष्टि में दूसरे नंबर पर अनुकरणीय हैं। तो चलो अब हम बात करते हैं विष्णु कुमार मुनिराज की। अब देखो या वो जैन व्यक्ति हो या अजैन, सभी लोग यही मानते हैं कि विष्णु कुमार ही सबसे अनुकरणीय है, वो ही हमारे इंस्पिरेशन है ना भाई? हाँ, आपको भी यही लग रहा था, परंतु वो जब तक मुनि पद पर स्थित थे, मुनि साधना में थे, तब तक वो वंदनीय थे, सिर्फ तब तक ही वो अनुकरणीय थे। परंतु जिस वक्त उन्हें मुनि पद छेड़ कर गृहस्थ पन अंगीकार किया, तब वह वंदनीय नहीं बचे, पूजनीय नहीं बचे, क्योंकि इतना तो आपको पता ही है ना कि अगर कोई व्यक्ति गृहस्थ हो तो वो पूजनीय कैसे हो सकता है? हो सकता है क्या? नहीं। अगर कोई व्यक्ति गृहस्थ पने में हो तो वो कभी पूजनीय नहीं हो सकता। तो एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। जो मुनि थे उन्हें छोटा सा वात्सल्य भावना आई थी कि वो मुनि है, वो उपसर्ग कैसे झेलेंगे, तो उन्होंने रक्षा का भाव आया था, तो यह भी अच्छी बात थोड़ी है। तो आपको पता है पांच पांडव आपने सुना है ना, तो जो पांच पांडव थे ना उन पे भी एक बार घोर उपसर्ग हो रहा था, उन्हें लोहे की जंजीरें बहुत गर्म पहना दी थी। तो उस वक्त जो दो मुनिराज थे कौन से थे? नकुल और सहदेव। उन्हें छोटी से वात्सल्य भावना आई, रागांच का भाव आया कि जो मुनिराज है उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, फिर भी उन्हें उपसर्ग झेलना पड़ रहा है। तो सिर्फ छोटे से भाव के कारण उन्हें 33 सागर की जेल हो गई, अर्थात 33 सागर की भाव भ्रमण बढ़ गया उनका। यह कोई अच्छी बात है क्या?
ये भी अच्छी बात नहीं है, तो इसलिए मेरी दृष्टि से वो तीसरे क्रमांक पे आते हैं, तीसरे नंबर पर अनुकरणीय हैं। तो चलो, और आखिरी बात मैं यह कहकर समाप्त कहता हूँ कि सबसे अनुकरणीय हमें हमारा इंस्पिरेशन अकम्पन्नाचार्य आदि सांसों मुनि राजो को मनाना चाहिए, ना ही फिल्म सेलिब्रिटीज क्रिकेटर्स ऐसो को। तो बोलो अकम्पन्नाचार्य आदि सांसों मुनि राजो की जय हो, जय हो। अनमोल भाई ने अपन को बहुत अच्छा समझाया कि कैसे अकम्पन्नाचार्य अपने स्वभाव में ही लीन रहे, और शुद्ध सागर मुनिराज द्वितीय स्थान पर इसलिए आए क्योंकि वे उन्होंने वाद विवाद किया था, लेकिन फिर भी वे अपने आचार्य को जाकर उन्होंने सब बात बताई और प्राश्चित्य विधि से खुद को शुद्ध किया, और विष्णु कुमार मुनिराज ने दीक्षा छेद दी थी इसलिए वे तृतीय स्थान पर आए। तो अपन ने रक्षाबंधन की कथा समझ ली, ये भाई बहन का त्यौहार नहीं है, इसे सब मना सकते हैं, ये भी समझ लिया, और अपन ने क्या समझा कि अनुकरणीय कौन है इन तीनों मुनिराजों में से। लेकिन अपन ने ये तो समझा ही नहीं जो मेन चीज़ है कि रक्षाबंधन का अर्थ क्या है, उसका फल क्या है, क्या आपको पता है? नहीं नहीं, ये मुझे तो नहीं पता, क्या आप सबको पता है? सब जानना चाहेंगे, चलो 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 इसका भी उत्तर ढूंढ ही लेते हैं। हार्दिक भाई, क्या आपको पता है कि ये रक्षाबंधन का त्योहार, इसका अर्थ क्या है, ये रक्षाबंधन पर्व का अर्थ क्या है? हाँ भाई, मुझे पता है, मैं बताता हूँ। भाई सुनो, रक्षाबंधन तो दो शब्दों से मिलकर बनता है, रक्षा और बंधन। रक्षा अर्थात बचाने का भाव, बंधन अर्थात बंध का कारण है। अब आपके मन में यह शंका तो अवश्य आई होगी, बचाने का भाव तो राग भाव हुआ। सुनो भाई, राग भी दो प्रकार के होते हैं, शुभ राग और अशुभ राग, उसे दूसरी भाषा में कहें प्रशस्त राग और अप्रशस्त राग। शुभ राग अर्थात जो धर्म चित्र के प्रति हम राग करते हैं उसे शुभ राग कहते हैं, जैसे मंदिर का निर्माण करना, प्रक्षाल करना, पूजन करना, भक्ति आदि, जो भी हम साम्य भाव से कार्य करते हैं ना, उन्हें शुभ राग कहते हैं। अशुभ राग अर्थात जो पंच इंद्रिय के विषय में लवलीन रहते हैं ना, उन्हें अशुभ राग कहते हैं, जैसे भोजन बनाना, भोजन करना, गाड़ी चलाना, दुकान चलाना आदि, जो भी हम गृहस्थी कार्य करते हैं ना, उन्हें अशुभ राग कहते हैं। इसी प्रसंग में मेरा आपसे एक प्रश्न है, जिन्हें भी शुभ राग अच्छा लगता हो वे अपनी मुट्ठी बंद करे रहे, और जिन्हें भी अशुभ राग अच्छा लगता हो वे अपना हाथ खोल ले, और जिन्हें ये दोनों अच्छे नहीं लगते वे शांति से बैठे रहे। इसका उत्तर इस प्रकार है, निश्चय से देखा जाए शुभ और अशुभ दोनों बुरे हैं। क्यों? वे बंद के कारण है, क्योंकि शुभ राग है उससे हमारे लिए भी गति का बंद होगा देव और मनुष्य गति का, अशुभ राग है उससे भी हमारे नरक और तिरंज गति का बंद होगा। इसी प्रसंग में मेरे लिए दो पंक्तियां याद आ रही हैं, मैं वो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो ग्रंथादिरा समय सार के पुण्य पाप अधिकार से ली गई हैं। जो लोहे बेड़ी बांधती त्यों शरण की भी बांधती, इस भांति ही शुभ अशुभ दोनों कर्म बेड़ी बांधती। इसमें श्री कुंद कुंदेव यह कहना चाहते हैं, जो लोहे की बेड़ी है वह भी हमारे हाथ को बांधती है, और जो सोने की बेड़ी है वह भी हमारे हाथ को बांधती है। इसमें मैं आपसे पूछता हूँ, कोई आपसे बोले आप लोहे की बेड़ी से बनना चाहेंगे या सोने की बेड़ी से? अधिकांश लोगों का उत्तर होगा किसी भी बेड़ी से बनना नहीं चाहेंगे। कौन? क्यों? दोनों बेड़ी से बनेगी। इसी प्रकार जो शुभ राग है वह भी हमारे लिए संसार में भ्रमण करवाएगा, और उसी प्रकार अशुभ राग है वह भी हमारे संसार में भ्रमण करवाएगा। लेकिन व्यवहार से देखा जाए शुभ राग ठीक है, अच्छा नहीं है। क्यों? शुभ राग है उससे भी हमारे लिए अनेक अनुकूलताएँ प्राप्त होती हैं, जैसे आपके लिए भी जैन परिचर्या सुनने मिल रही है, और साथ में मनुष्य गति, और उसमें जैन कुल का बंध हुआ है ना, वह शुभ राग से प्राप्त हुआ है। साथ में आप तो शुभ राग को सीढ़ी मान सकते हैं शुद्ध भाव प्रकट करने की, क्योंकि आप खुद समझिए आप शुभ राग करते हैं तो आप उसमें क्या करेंगे, भक्ति पूजन करेंगे। पूजन में आप क्या करते हैं, इष्ट देव शास्त्र गुरु के गुणों का स्तमन करते हैं, तो आप इष्ट देव शास्त्र गुरुओं के इस गुणों का स्तमन करेंगे तो आपका कभी ना कभी तो मन करेगा स्वाध्याय करने का। तो इसी प्रकार वह शुद्ध भाव शुभ राग प्रकट, जो शुभ राग है वह शुद्ध भाव प्रकट करने की सीढ़ी है। हाँ, इससे तो हमारा, और इसी प्रसंग में एक और उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसे समझ लीजिए आप बस का इंतजार कर रहे हैं, तो आप एक पेड़ के नीचे बैठ के बस का इंतजार करना ज़्यादा अच्छा समझेंगे या फिर धूप में खड़े होकर जाना अच्छा समझेंगे? अधिकांश लोग पेड़ के नीचे बैठ के और बस का इंतजार करना ज़्यादा अच्छा समझेंगे। लेकिन उस समय जो घूमने जा रहा होगा उसका मेन प्रयोजन क्या रहेगा, वह बस में चढ़े, उसका मेन प्रयोजन ये नहीं रहेगा कि पेड़ में खड़ा रहे। इसी प्रकार जो वहाँ पर जो जो घूमने जा रहा होगा उस समय
उसका जो पेड़ है वो होगा हे, और जो उसका बस है वो होगा उपादेय, और साथ में बस होगी वो प्रयोजन होगा। हाँ, और इसी प्रकार जो हम जीव है ना, हमारा अभी संसार में हम लोग का भी मेन प्रयोजन क्या रहना चाहिए कि हमें पंचम गति की प्राप्ति हो। हमारा भी मेन प्रयोजन ये नहीं रहना चाहिए कि हम शोभराग करते रह जाएं। साथ में इससे हमारा सारभूत तो यह निकलता है, हमारे लिए अधिकांश तो शुद्ध भाव प्रकट करना चाहिए, लेकिन जब हमारे शुद्ध भाव प्रकट नहीं हो रहे हो, शोभराग ठीक है अच्छा नहीं है। शोभराग हे है वह उपाधि नहीं है, शुद्ध भाव है हमारा उपाधि। और साथ में इस रक्षाबंधन को सार्थक बनाना है तो हमें रक्षाबंधन का अर्थ यह नहीं समझना चाहिए, इस रक्षाबंधन का अर्थ हमें यह समझना चाहिए हम कैसे इन अब आठों कर्मों को नष्ट करके अपनी आत्मा की प्राप्ति करें, इन बुरे कर्मों को इन बेकारी भावों का नाश करके कैसे पंचम गति की प्राप्ति करें। अरे वाह भाई हार्दिक ने तो कितने अच्छे से समझाया कि रक्षाबंधन का असलियत में अर्थ क्या होता है। हाँ, उन्होंने रक्षाबंधन का फल भी बहुत अच्छे से समझाया। तो पहले आप बताओ कि आपने अपन ने अभी इतने सारे लोगों से अपने प्रश्नों का समाधान किया, तो आपको इन सब में से क्या समझ में आया? मुझे सर्वप्रथम तो मुझे समझ में आया कि ये जो रक्षाबंधन का त्यौहार है ना, ये सिर्फ भाई बहनों तक सीमित नहीं रखना चाहिए, ये रक्षाबंधन का त्यौहार तो जन जन और कण कण का है। हाँ, और मैंने यह सीखा कि अपन को संवेक भाई ने समझाया था पर्व के बारे में कि पर्व के कई भेद होते हैं, जैसे त्रैकालिक पर्व, तात्कालिक पर्व, ये तो होते ही हैं और इनके भी कई प्रकार होते हैं, लेकिन वास्तव में तो ज्ञान से अपनी आत्मा को जोड़ना यही होता है निश्चय से पर्व, ये मैंने समझा। अब आप बताओ आपने क्या समझा? मैंने फिर तो मैंने पूरी रक्षाबंधन की कथा समझी कि किस प्रकार विष्णु कुमार मुनि ने उन 700 मुनि राजों की रक्षा की थी, उनका वात्सल्य जो भाव था वो कितना महान था। हाँ, और मैंने फिर अनमोल भाई से समझा कि कैसे ये अकंपनाचार्य ने अपने आत्मा में सहज भाव रखा हमेशा, और कोई भी परिस्थिति आई फिर भी वे सहज भाव में ही रहे, इसलिए वे प्रथम स्थान पर आए। द्वितीय स्थान पर आए श्रुतसागर मुनिराज, क्योंकि वे मुनिराज तो थे ही, पूजनीय भी थे, लेकिन उन्होंने वाद विवाद किया था इसलिए वे द्वितीय स्थान पर आए। और तृतीय स्थान पर विष्णु कुमार मुनिराज, क्योंकि उन्होंने दीक्षा छेद दी थी। और अब आप बताओ आपने क्या समझा? मैंने अब तो मैंने भाई हार्दिक से समझा कि जो शुभ और अशुभ भाव हैं वो दोनों हेय हैं, छोड़ने योग्य हैं, लेकिन जो शुभ भाव हैं उन्हें हम शुद्ध भाव प्रकट करने की सीढ़ी मान सकते हैं। हाँ हाँ, मुझे तो इन सब चीज़ों में बहुत आनंद आया। अपन ने तो बहुत कुछ समझ लिया, लेकिन अब इनसे भी पूछो इनने क्या समझा। हाँ, क्या आपको भी सब कुछ समझ में आया? कितना अच्छा। अरे भाई मुझे तो माफ़ करना, मुझे तो रक्षाबंधन पर्व के बारे में कुछ पता ही नहीं था, लेकिन आज आपकी मदद से मुझे रक्षाबंधन की परिचर्चा मालूम पड़ी, आपका धन्यवाद। हाँ हाँ, मुझे भी ये रक्षाबंधन परिचर्चा सुनकर बहुत आनंद आया, नई नई जानकारी प्राप्त हुई, अब से मैं भी यह रक्षाबंधन पर्व समझकर इसी प्रकार यह पर्व मनाऊंगा। हाँ हाँ, आज की यह रक्षाबंधन की परिचर्चा को सुनकर मुझे बहुत आनंद आया, आज की इस रक्षाबंधन की परिचर्चा से मैंने यह जाना कि व्यर्थ का वाद विवाद व्यर्थ है, धन्यवाद। बोलिए अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों की जय हो, शुद्ध सागर मुनिराज की, बोलो मुनि विष्णु कुमार मुनिराज की जय हो, बोलो वात्सल्य पर्व रक्षाबंधन पर्व की जय हो। हाँ जी, तो आपको कैसा लगा? सभी को पक्का मजा आया लग रहा है ना कि अब हम हमारे ढाई दीप में हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे क्या कमाल कर रहे हैं।